नमस्कार आप सभी मित्रों को, मित्रों में लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपने इस किचन में। तो फ्रेंड्स ये कुछ टमाटर में दिन में मैं तोड़कर लेकर फ्रेंड्स आई थी। तो कभी कभी हम ऐसी हार्वेस्टिंग भी ले लेते हैं जो कि हम वीडियो नहीं हम बना पाते, तो इसीलिए मैंने छोटी सी एक क्लिप उसकी बना ली कि ये मैंने हार्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स चलिए आज आपको मैं हार्वेस्टिंग करा देती हूँ। लक्ष्मी आप सभी के मित्र देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी छत बगिया में। फ्रेंड्स आज कुछ हार्वेस्टिंग करने में जा रही हूँ, तो टमाटर की हार्वेस्टिंग करूँगी। थोड़ा देखिए आगे क्या क्या मुझे मिल पाता है। और यहाँ पर मेरे साथ है मेरी बिटिया, तो वो टमाटर की हार्वेस्टिंग करेगी। ये देखिए ये लाल लाल टमाटर, और साथ में है कैतुष्का। हाय कैतुष्का, से हाय। हाय से गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बोलो आराम से बोलो कि आंटी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अच्छा फेवरेट यूट्यूबर कौन है बताओ? ये सौरभ जोशी की फैन है। और ये देखिए आज हार्वेस्टिंग करेंगे। आ बेटा तोड़ो, और कौन सा रेड रेड वाले? हाँ ये वाले क्या नहीं, आ जाओ आप भी तोड़ो फिर पेड़ ही ना तोड़ यार। हाँ ये वाला हरा लाल लाल है, ये दो हैं बस। ये देखिए ये तीनों के तीनों आज मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए देखने आए थे मम्मी। और देखिए इसके अंदर तो नहीं है, तीन नहीं है, दिखता तो वो नहीं, वो काला अभी हरा है, काला नहीं हरा। ये भी है नन्हे नन्हे से तोड़ने। हाँ हरे वाले नहीं, लाल लाल वाले चेरी टमाटर। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों यहाँ पर इस हार्वेस्टिंग को काफी एंजॉय ये कर रहे हैं। कच्चे नहीं तोड़ना है, रेड रेड वाले। और ये देखिए एक प्लांट यहाँ पर लगा है, इसमें भी काफी सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो रेड रेड जो है उनको निकालना, वो है एक लाल वाला। ये देखिए सभी एंजॉय कर रहे हैं हार्वेस्टिंग। और इस तरह से बच्चों को नेचर के करीब लाने का एक बेहतरीन ये तरीका होता है कि उनकी भी हम हेल्प लें अपनी गार्डनिंग में। तो ये देखिए और उस तरफ देखो क्या तू गुस्से की बात। वही तो दीदी, वही दीदी वहां पे कहां वहां अम्मा मुझे साथ में लाल वाला है, लाल है क्या नहीं? हाँ तोड़ हो गई सारे। तो फ्रेंड्स टमाटर की हार्वेस्टिंग तो हमारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद बच्चों का जो उत्साह था वो लाल भिंडी को देखने का था। तो हम ये इस तरफ आ गए हैं दूसरे वाटर टैंक की तरफ। यहाँ पर भिंडी लगाई गई है जो सैपलिंग के माध्यम से मैंने लगाई थी। आप सभी से के साथ मैंने इससे एक बार पहले भी हार्वेस्टिंग ली है। तो ये देखिए इस तरीके से ये दो चार ही यहाँ पर लगी है, काफ़ी कम मात्रा है। तो ये वाली भिंडी ये देखिए, तो फ्रेंड्स बच्चे काफ़ी उत्साहित थे ये लाल रंग की भिंडी, क्योंकि हरी लगभग सभी ने देखी होती है, लेकिन लाल थोड़ा सा उनको डिफरेंट ये लगी, तो इसको देखने के लिए काफ़ी वो उत्साहित थे। तो ये देखिए चार छः ही यहाँ पर लगी है, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए क्योंकि बच्चे अगर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो जोर से खींचेंगे तो इसका पेड़ फिर जड़ समेत उखड़ भी सकता है फ्रेंड्स।
इसीलिए मैंने स्वतः ही इसे हार्वेस्टिंग करना उचित समझा। भिंडी तो दिख रही है, मम्मी का फेस दिखा देते, दिखाऊं? दे रहा क्या है, ठीक है सही कह तू। ये रहे सारे टमाटर और एक तो सड़ भी जाएगी भिंडी, क्या तू खा रहा है? क्या एक तो अंदर बैठ के सड़ भी चंगा हुआ था भिंडी। ये कब लगाया आपने? कितने सारे टमाटर हैं इसके, रेड वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम अपने दूसरी तरफ के वाटर टैंक की तरफ। यहाँ पर एक जो टमाटर का पेड़ है और उसके साथ ही एक ये ट्रे जो कंटेनर है इसमें लगाए गए ये तीन टमाटर के पौधे हैं। तो ये देखिए ये चिड़िया का काम है, चिड़िया का काम है। अरे आई नहीं रही, ये तो किसने खाया ये चिड़िया? इसको कहाँ रखो? चिड़िया ने खाई थी बहुत स्ट्रॉबेरी, एक एक लगती है ज्यादातर स्ट्रॉबेरी। एक बार तीन लगी थी वो सारी खराब हो गई। अपन को भी लगाए थोड़े बहुत, डाल दे उसमें। शाबाश, ये अपन वपुन क्या होता है? वो तो नीचे है, तो और है ऑरेंज भी तोड़ रहे हैं। ऑरेंज वाले, ऑरेंज वाले भी करेंगे रहने देते हैं। ये तोड़ ले, तोड़ लेते हैं ऑरेंज में। अरे बॉय, सारे अरे बॉय। अब इस वाले में ये देखो यहाँ भी दिख रहे हैं। दिखती है तो यौन चिना। अरे कैसा है यार, मेरे से भी है आप में ऑटो में यहाँ पे तो आराम से। हाँ अरे वेलकम लाल है। अच्छा क्या तू कच्चा बादाम पे डांस करके दिखा? तो फ्रेंड्स इस तरह से होती है हमारी टमाटर की हार्वेस्टिंग पूरी। तो ये देखिए और कुछ भिंडी यहाँ लगी है, दो चार ही ये है हरी वाली, तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये भिंडी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि भिंडी के पेड़ तो बच्चे अगर निकालेंगे तो ये इन पेड़ों को नुकसान ही पहुँचा सकते हैं, इसीलिए मैं खुद ही ये काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरे पास सीजर भी नहीं है, मुझे सीजर भी परचेज मुझे करनी है हार्वेस्टिंग के लिए, तो तब थोड़ा इजी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये भिंडी के प्लांट है, तो यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब उधर आ, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये भिंडी और टमाटर की हार्वेस्टिंग तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा इसमें जायका तो हमें देना ही होगा, अन्यथा सब्जी का स्वाद ही कहाँ आता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूँ मिर्ची की। तो मिर्ची भी मेरी बगिया में लगी है, लगभग तीन चार प्लांट मेरे पास मिर्ची के पिछले वर्ष के हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मिर्चियाँ लगी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये शाम का समय है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये देखिए काफ़ी सारी मिर्ची यहाँ पर लगी हैं, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो समय समय पर जब मुझे चाहिए होती है तब मैं यहाँ से निकाल कर ले जाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मिर्ची में निकाल लेती हूँ, ज्यादा नहीं हो गया। हाँ देखिए इतनी ये मिर्ची, तो फ्रेंड्स यहाँ भी बच्चे ही मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो जब मुझे जरूरत होती तब मैं निकाल लेती हूँ, अभी मेरे लिए इतनी ही पर्याप्त है। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ बैंगन भी लगे हैं, तो उनको निकालना मैं उचित अब समझ रही हूँ, क्योंकि बैंगन को अगर ज़्यादा समय तक हम रखते हैं तो उनमें बीज बन आते हैं, जो फिर खाने में उतना फिर अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो इसीलिए इन बैंगनों को छोटे में ही तोड़ना उचित रहेगा। तो मैं यहाँ पर लगे कुछ चार छः बैंगन है, उनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से काले वाले और हरे और गोल वाले काले बैंगन यहाँ पर लगे हैं, तो देखिए बच्चे किस तरीके से हार्वेस्टिंग ये कर रहे हैं।
हम इसमें देख काला ये है निकाला ये एक ग्रीन भी है वहाँ पे तोड़ लिया नहीं तोड़ा ग्रीन भी और फ्रेंड्स ये देखिए कैतुष्का ने निकाला है यहाँ से गोल वाला बैंगन ये देखिए ग्रीन ये देखिए और वो यहाँ से ढूंढ रही है तो एक हरे वाला भी यहाँ पर लगा था मैंने देखा था तो ये देखिए इस तरीके से वो इसे भी निकाल रही है लेकिन फ्रेंड्स इस वाले बैंगन में कांटे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को मैं मना कर रही हूँ तो इसे मैं खुद ही निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। एक कैनित बता रहा है कि एक बैंगन यहाँ पर भी है लेकिन ये ज़ोर से ना खींचे इसीलिए मैं ही इसे निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से आज की हार्वेस्टिंग लगभग हमारी होती है पूरी। ये देखिए इतना कुछ हमने यहाँ से अपनी छत बगिया से हमने प्राप्त किया है और इस तरह की सब्जियाँ अगर हमें मिलती हैं तो सचमुच कितनी खुशी हमें होती है। ये अब आपको आगे कैतुष्का आपको बताएगी। देखिए आज की हमारी हार्वेस्टिंग तो फ्रेंड्स नन्ही कैतुष्का के आप निवेदन को तो समझ ही गए होंगे कि वो कह रही है कि मेरी आंटी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी हार्वेस्टिंग आप सभी मित्रों के साथ। आई होप कि आपने इसे ज़रूर इन्जॉय किया होगा इन बच्चों के साथ हमारे साथ। तो एक नई शेयरिंग के साथ आपसे मैं पुनः मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी मित्र अपना अच्छे से ध्यान रखें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।